बटनी नहीं चाहिए। मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह कर रहा हूं दोस्तों, साथियों, भाइयों, जो अनाज पैदा करता है खेत में, खून पसीना बहा के पूरे देश का पेट पालता है, मंडी में जाके अनाज मुट्ठी में भर लो और मुझे देख के बता दो कि अनाज किसने पैदा किया है। जाट ने किया है, गुजर ने किया है, राजपूत ने किया है। किसान की कोई जात नहीं होती। सारे किसान एक हो जाओ, 36 कौम के लोग एक हो जाओ, और हाथ का निशान है पंजे का, इस पर बटन दबाकर इस देश में बदलाव लेकर आओ। 23 तारीख को नई सरकार यहां बननी चाहिए देश में, एक नए प्रधानमंत्री बनेंगे और कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार बनेगी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन यहां मलिक साहब को आपकी ताकत की जरूरत है। और दोस्तों, इस क्षेत्र से पुराना लगाव रहा, स्वर्गीय पायलट साहब बहुत बार यहां पर आते थे, यहाँ की जमीन से, यहाँ के लोगों से एक आत्मीयता का रिश्ता था। आज मुझे बहुत से अपने लोग देखे मिले मेरे को बहुत दिनों के बाद। हम जहां भी रहें, जो भी करें, लेकिन किसान के लिए, नौजवान के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं, हर मजहब के व्यक्ति से, हर धर्म के व्यक्ति से, कि इस देश को बटने से रोको। जो नकारात्मक माहौल बन रहा है, इसको रोकने का एक ही जवाब है, आपको छोटा सा बटन दबाना है 11 तारीख को। अपनी वोट खराब नहीं करनी। ये सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है आपके आशीर्वाद से, भारी बहुमत से जीतेगी। हरमे मलिक जी सांसद बनेंगे और दिल्ली में आप लोगों की पूरी मदद करेंगे, मैं आपको वादा करता हूं। लेकिन ये धीरे धीरे ताली बजाने से पार नहीं पड़ेगी। मैं बहुत दूर से चल के आया हूं, मुझे तो जोर से ताली बजा के बताओ कि चॉइस आपको पार्लियामेंट में भेजोगे। अरे और जोर से बजाओ, अरे कहने वालों आवाज नहीं आई, जोर से बजाओ तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।